देखिए मुझे तो समझ नहीं आता है आपको किस चीज की उम्मीद थी, कौन सी एक्सपेक्टेशन थी। हमारा एक मुल्क जो है बहुत बड़ा सेक्युलर मुल्क है और उस सेक्युलर मुल्क में आज जो लार्जेस्ट माइनॉरिटी है मुसलमानों की, उनको बुलडोज किया जा रहा है, उनके घरों को बुलडोज किया जा रहा है, उनकी जिंदगी को बुलडोज किया जा रहा है, उनके लाइवलीहुड को, रोजगार को बुलडोज किया जा रहा है और यही प्राइम मिनिस्टर है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट होने के बावजूद एक सेकुलर मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया था, इसलिए कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक साथ रहेंगे, पर आज तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। तो जब पूरे मुल्क में इस वक्त तांडव हो रहा है बुलडोजर्स का, हजारों के तादाद में, लाखों के तादाद में लोग जो है सहमे हुए हैं, करोड़ों की तादाद में मुसलमान सहमा हुआ है इस वक्त, तो ऐसे में वजीर अजम यहाँ आते हैं और फिर वो यहाँ बात करते हैं नौजवानों के, नौजवानों की वो बात कर रहे हैं उनके, जिनके खिलाफ वो यूएपीए लगा रहे हैं। लगता है पीएसए का वजन कम हो गया, पीएसए में हो सकता है बेल हो जाए, इसलिए यूएपीए में बंद कर दो। किन नौजवानों के कौन सा मुस्तकबल, मुस्तकबल का तो उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। यहाँ की नौकरियां वो बाहर जा रही हैं, यहाँ के जो हमारे मिनरल्स हैं, चाहे वो आपका मार्बल हो, चाहे वो आपकी रेत बाजरी हो, चाहे जम्मू के शराब की दुकानें हो, सब बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। हमारी जमीन पे सेल लग रही है, जब लगा कि कश्मीर में हालात खराब हैं जम्मू कश्मीर में और कोई बाहर का जमीन खरीदने के लिए तैयार नहीं है, तो 50% जो है स्टैंप ड्यूटी को कम किया गया सिर्फ इसलिए कि यहाँ की जमीन का भी लूट खसूट हो जाए। और किस किस उम्मीद की बात कर रहे हैं आप? जम्मू कश्मीर पूरे मुल्क को बिजली देता है, पूरे मुल्क के कारखाने, पूरे मुल्क के घर जो है हमारी बिजली से रोशन होते हैं, और हमारे यहाँ तो बदतरीन किस्म का अंधेरे में हमें धकेल दिया है। आज आपने देखा कि रमजान के मुबारक महीने में न तो इफ्तारी के वक्त बिजली, न तो सहरी के वक्त बिजली, और जम्मू में इतनी गर्मी में वहां भी बिजली का बहुत बुरा हाल है। बेरोजगारी 25% हमारे जम्मू कश्मीर में हो गई है, लोगों को रोजगार देने के बजाय उनको नौकरियों से बाहर निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हम किस चीज की उम्मीद रख सकते हैं कि जो वजीर आजम जिसके घर के बाहर जहांगीरपुरी में वहां इतना बड़ा तांडव चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट को के हुक्म की तामील नहीं हो रही है, उसकी बेइज्जती हो रही है और वहाँ लोगों के घर खत्म किए जा रहे हैं, मुसलमानों का रोजगार खत्म किया जा रहा है, उनको कपड़े पहनने पे उनके एतराज हो रहे हैं और प्राइम मिनिस्टर कुछ भी नहीं करते हैं, तो ऐसे में क्या उम्मीद कर सकते हैं आप? तो जो कल का विजिट था तो उसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, मैंने कहा ना कि हमें तो कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि पूरे मुल्क में जहाँ 20-25 करोड़ मुसलमान रहते हैं, अगर उनके साथ बुलडोजर उनके ऊपर चलाया जाए और हमारे वजीर आजम जो पूरे मुल्क के वजीर आजम हैं, वो खाली एक कम्युनिटी के वजीर आजम नहीं है, और वो तमाशा देखें, खामोश बैठे तमाशा देखें, कुछ भी ना करें, तो ऐसे में जब वो जम्मू उस जम्मू कश्मीर आ रहे हैं जिस जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर बाकी नहीं रखी, जम्मू कश्मीर की तबाही कर दी है, हमको एक स्टेट से यूनियन टेरिटरी बना दिया, हमारे हुकूम खत्म कर दिए, हमारे लोगों को नौकरियों से बाहर निकाला जा रहा है, जो बाकी नौकरियां उसमें खुर्द बुर्द हो रहा है, बाहर के लोगों को उसमें तरजीह दी जाती है, रिटायर्ड लोगों को चाहे वो आर्मी में हो या दूसरी जगह, उनको यहाँ रोजगार दिया जाता है, मगर जो यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाले नौजवान हैं उनके रोजगार का हाल बुरा है, उनकी बेरोजगारी 25% हो गई है। आपके डेली वेजर हैं 60,000, जिनका हमने अपने वक्त में एक प्लान बनाया था कि इनको रेगुलराइज करने का, वो भी बेचारे दर बदर हैं, उनकी बात नहीं हो रही है, तो सिर्फ कहते हैं कि हम जी नौजवानों को उनके बाप दादा, तो हमारे बाप दादा तो हमारा तो प्राइम मिनिस्टर होता था, हमारे बाप दादाओं का, हमारा तो जो सदर रियासत होता था हमारा तो 370 होता था, हमारे तो जीडीपी जो है मुल्क के कई बड़े बड़े स्टेट से बेहतर थी, वो हमारी ग्रोथ थी, हमारे यहाँ सबसे पहले